दिल को चीर देने वाले मनाज़िर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आपका दिल आप थाम कर रखिया गया कि आपको इस वीडियो में बहुत ही हैरान कन वीडियो दिखाई जाएगी कि आप एक सच्चे मुसलमान हैं, तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। जो हाजी गर्मी की शिद्दत की वजह से शहीद हुए थे, उनका नमाज जनाजा अदा करके उन्हें मदफन किया जाता है और उनको मदफन भी जन्नतुल बकी में किया जाता है। यह इनकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। एक औरत जो कि हज पे गई हुई थी, हज के मौके पर खाना काबा के आगे जाकर वो पता नहीं क्या करने लगी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इसको देखे जी, औरत खाना काबा के सामने नाच रही है। अस्तगफिरुल्लाह। आप ये वीडियो देखें और आप ये जो खातून देख रहे हैं, इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है और वह जब मक्का मदीना गई तो उनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ और उनका नाम मोहम्मद रखा। आप ये उस बच्चे की तस्वीर भी देख सकते हैं। लेकिन 2024 में गर्मी की शिद्दत से इस बच्चे की डेथ हो गई। यह बच्चा 2024 का कम उम्र हाजी था। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ऐसी वीडियो के मक्का मुकरमा में गर्मी की शिद्दत इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, यह वीडियो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आप इस सूरत हाल से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे हालात हैं आप इस सूरत हाल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गर्मी होगी, कितनी गर्मी होगी। लोग माओं को उठा के कंधे पर ले जाके हज कराने जा रहे हैं। आप देखें कितनी गर्मी होगी। या अल्लाह करम। इस साल हज के मौके पर जो शहादतें हुई उसकी क्या वजह बनी, आप देखें। आगे जो मैं वीडियो दिखाने वाला वो यही है कि किस वजह से ज़्यादा अमवात हुई हज के मौके पर। इस साल सऊदी अरब में ज़्यादा शहादतें हुई, इसकी वजह जानिए क्या कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज एक मशक्क़त वाली इबादत है जिसमें मशक्क़त होती है, इसीलिए हज की जो नियत है उसके अंदर आसानी की दुआ अल्लाह के नबी ने पहले मांगी। इस साल का जो हज रहा मजमू एतबार से बेहतर रहा। कुछ कमज़ोरियाँ हमारी भी हैं, कुछ कमज़ोरियाँ इंतज़ामी हवाले से भी हैं। हमारी कमज़ोरियों में सबसे पहली कमज़ोरी जो दिखने में ये आई कि बसा औकात हम अफजलियत के पीछे पड़ जाते हैं और उस वक़्त हम ये नहीं देखते कि इस अफजलियत के अलावा एक जायज़ अमल भी हमारे सामने मौजूद है। हम उस जायज़ अमल की तरफ नहीं जाते। मिसाल के तौर पर 11 ज़िलहज्जा की रमी में बहुत सारे लोगों की अमवात हुई। 11 ज़िलहज्जा की रमी का वक्त जवाल से लेकर मगरिब तक ही अफजल वक्त है, मगरिब से लेकर सुबह साजिद तक ये जायज़ वक्त है। लोगों से हमने कहा और लोगों से जब ये बात कही गई उसके बावजूद लोगों ने जो है वो इस बात पर अमल नहीं किया और जवाल के बाद ही निकलना शुरू हो गए, जिसकी वजह से बेहोशियाँ और जिसकी वजह से बहुत सारी अमवात हुई यहाँ पर। तो हम अफजलियत के पीछे पड़ जाते हैं, उस वक़्त ये नहीं देखते कि मौजूदा सूरत हाल कैसी है, रश कितना है, गर्मी कितनी है। यहाँ पर इस वक्त गर्मी बहुत शदीद थी तो हम उसको नहीं देखते। इसी तरह हमने मुज़दलिफ़ा में देखा कि मुज़दलिफ़ा का वकूफ़, याद रखिए, शरी लिहाज से बूढ़ों के लिए, ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए उन पर मुज़दलिफ़ा का वकूफ़ वाजिब नहीं, वो वहाँ से जा सकते। हमने वहाँ कुछ साथियों से कहा कि आप यहाँ से जाएँ, आप पर यह वाजिब नहीं, बस खड़ी है, बस के अंदर ही चले जाएँ, लेकिन उन्होंने उस पर अमल नहीं किया। और फिर सुबह के वक्त वहाँ से पैदल आना और रास्ते में पानी की कमी थी जिसकी वजह से अमवात हुई। तो कुछ कमज़ोरियाँ हमारी जानिब से भी हैं। हमें अपने इस हज के अंदर ये देखना चाहिए कि जहाँ शरीयत ने आसानी रखी है, जहाँ पर शरीयत ने ये बात रखी है कि ये एक यहाँ ये सूरत भी हो सकती है, हमें उस आसानी को इख्तियार करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। इंतज़ामी लिहाज से बहुत सारी कमज़ोरियाँ थी जिसमें पानी की कमी जो है वो मुज़दलिफ़ा 10 ज़िलहज्जा 11 ज़िलहज्जा को बहुत ज़्यादा पानी की कमी आई। और इसके अलावा कुछ इंतज़ामी लिहाज से कुछ रवैया भी इंतज़ामी लोगों का जो है वो हजाज के साथ कुछ बेहतर नहीं रहा। शुरू के दिनों में, आखिर के दिनों में बेहतर लगा। तो अल्लाह से आफियत भी मांगा करें और जब भी हज पे आए तो हज जवानी की इबादत है, जवानी में ये करनी चाहिए। और वालिदैन को अगर भेजना हो तो उनके साथ ज़रूर आया करें, उनको वालिदैन को अकेले मत भेजा करें। इस साल जो हादसात हुए, इस साल जो गर्मी की वजह से जो वाक़ियात हुए, जो हमने देखे, वो नाकाबिले बयान है।
इसलिए आप सब जो है वो हज पे आए तो शरीयत का एक जायज़ अमल भी देखा करें कि जायज़ इस वक्त क्या है। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता हो। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि तमाम आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर आती रहें।